नंबर वगैरह नंबर सब बढ़ गया। मौके पर पुलिस भी अब पहुंच चुकी है। तो देखिए घर के बाहर खड़े मोटरसाइकिल को किसी ने आग के हवाले कर दिया है। कद की लागड़ी है रात में 2 बजरी या 12 आने घर के बारे सुते उठा जो पटाखा सा बज गया। अच्छा बाद में से देखे तो रात में 2 बजरी भी टाइम को मैंने ऊपर तक बाहर लाग रही तो छोरा बुझाने का भी लाग गया। 1:30 के बीच की बात है। रोजाना तो कद की घटना है रात के लगभग 1 और 2 के बीच की बात। थाने बेरो के पट्टो के बीच गाड़ी चल रही है। अच्छा और दूसरी होल से सुना तो मैं तो मारा घर तो सामने बड़े। अच्छा और बड़े से बाकी आया था तो आज मैंने बुझाई बाद में से मिलकर मार आड़ोसी पड़ोसी आ से। अच्छा अच्छा तो कोई पसक कहेगी कि भाई कोई कूंड लगा सकेगी टाइप में कोई या के मेरे पटे देखो। अच्छा अच्छा केबल जल गई क्या? केबल बढ़ जाए नहीं तो पूरा माइक कर कमाने पूरा ले आग लग जाए पूरी केबल मतलब सही रही बाकी या नहीं बड़ी। तो पुलिस ने फोन ऑन कर दिया। पुलिस ने फोन कर दिया गाड़ी आ रही है। गाड़ी अच्छा पुलिस ने फोन कर दिया गाड़ी आ रही है। खिड़की भी थोड़ी बहुत जल गई है ना। अच्छा 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 भाई साहब हां कोर्स बंद करो आगे ऊंची दूर से नाला से गैस पकड़े जा के बाकी मायने कपड़ा कोनी मायने बड़े इने ढक दो थोड़ी सी बोरी ने इने कोई नहीं ढको थोड़ी दूर में ही तो देखिए पूरी जो मोटरसाइकिल है वो जलकर राख हो गई है। किसने आग लगाई ये पता नहीं है लेकिन पूरी मोटरसाइकिल और ये रात्रि को तकरीबन 1 से 2 बजे के बीच लगाई गई थी आग। इसमें किसने आग लगाई ये पता नहीं लेकिन मोटरसाइकिल है ये पूरी खत्म हो चुकी है। ये देखिए खिड़की थी पास में ये भी जल चुकी है। खिड़की थी और ये नाला ये बिजली की केबल थी वो भी जली हुई आपको नजर आ रही है। और पुलिस को फ़ोन किया गया पुलिस आने ही वाली है लेकिन मोटरसाइकिल है वो पूरी जलकर पाइप भी पूरा जला है। ये देखिए ठीक है।